आइए साथियों, किस प्रकार से वो बेटा गोपीचंद अपनी माँ से क्या पूछता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है माँ जिस बात को लेकर के आप बड़ी परेशान है। आपके चेहरे की लाली झड़ी हुई है, बड़ी उदासी छाई हुई है। कोई बात जवाब पे आती है फिर रुक जाती है। आखिर कौन सा दुख दर्द है उस बात को हमें बताइए। बेटा गोपीचंद, बहुत दिनों से अपने मन में एक बात सोचती हूँ और डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा मेरी बात मानने से इनकार ना कर दे। ये बात नहीं है माँ, आप अपनी बात को हमसे कह सकते हैं। हम आपके पुत्र हैं और कहते हैं कि जिस इंसान की माँ दुखी होती है उस इंसान का कोई जीवन नहीं होता सरदार। अच्छा हाँ, आप मेरी बात सुनना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, क्या बात है? अच्छा हाँ, तो कही अपनी बात और सुनिए हमारी बात। इंसान तो केवल कर्म कर सकता है लेकिन फल तो भगवान देता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, केवल कर्म करना है। और जो इंसान कर्म अच्छे करता है उसे इतिहास हमेशा याद रखता है, और जो इंसान कर्मों से गिर जाता है उसके साथ मरघट तक भी चार इंसान नहीं जाते।
साथियों तीसरी बात के माध्यम से, दूसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद अपनी माँ से क्या समझाता, क्या बता दिया। अरे जीवन मरण लाभ हानि माँ, जीवन मरण लाभ हानि यत अपयत खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। अरे केत्र धन पहुंच गारी माता नहीं केत्र सरकार ना झारी आज खात भरत्री भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठी तेरी माता के। नगरी के राजा हैं, लेकिन एक राजा की मां दुखी होती है तो कोई राजा नहीं होता मां, वो कोई पुत्र भी नहीं होता। हम आपके पुत्र हैं, आप आदेश करिए, अपना सर काट करके हम आपके कदमों में रख देंगे। आप मुझे आपका सर नहीं चाहिए बेटा गोपीचंद, और सिर्फ आप मेरी एक बात मान लीजिए, और जो मेरी बात है वो बहुत ही कठिन बात है, कहीं आप उस बात को सुन करके मुझे मना न कर दे। अच्छा? इसलिए मैं डरती हूँ। अरे बेखटके से कह दे माता, बेखटके से कह दे माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूँ सुन। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूँ सुन। अरे दे आते तेरे चरणों में सरदारों, ये बात है जिस बात के लिए ये किस्सा उठाया गया है, इस बात में असली बात कही है, असली के साथ में सच्ची लगे तो सुन के ताड़ी बजा देना। अरे दे आते तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सो। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। कर्मों से अमर होता है, तू मुझे किस प्रकार से अमर कराना चाहती है? मैं तुझे हाँ अमर कराना चाहती हूँ, और
जिससे तेरी कभी भी मृत्यु ना हो। अच्छा हाँ, लेकिन इस संसार का नियम है कि जो जीव इस धरती जहां पर आया है एक रोज उसको अवश्य जाना पड़ता है, ये सच्चाई है। चाहे कितने बड़े हमारी इस भूमि पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने तप किया, बड़े बड़े वो भगवान त्रिलोकीनाथ जैसे जिनसे 1400 गोपिकाएं छीनने गई और भीलों के हाथ अंत हो गया, भगवान श्री राम और महाभारत के अंदर पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं को इच्छा मृत्यु तक का वरदान था, वो भी एक रोज जहां से चले गए। केवल हम कर्म कर सकते हैं माँ, हमारी बात गौर से सुनिए। अरे जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटक कहिए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात असंभव सी लागे माँ, बात असंभव सी लागे मन, भेद खोल समझाइए तू। मिल जाता हरे राम बैसला कुशक बड़ोली।